5 लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर रोड पे कि उनको हटाने में एक महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। आसाम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। आसाम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देश को तोड़ने की, देश को बर्बाद करने की साजिश के विषय में सुना था और बहुत दिनों से शाहीन बाग में और देश के कई इलाकों में कुछ लोग इस प्रकार के नारे भी लगा रहे थे, मगर वो षड्यंत्र कल पूरी तरह से खुल के हिंदुस्तान के सामने और विश्व के सामने आ गया। जिस प्रकार की बातें शाहीन बाग में हो रही है, वैसे उसे शाहीन बाग नहीं दिशाहीन बाग कहना चाहिए। दिशाहीन बाग क्या, तौहीन बाग कहना चाहिए। शाहीन बाग नहीं, ये तौहीन बाग, जो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता को एक तौहीन के रूप में देखता है और स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए, टू फिनिश ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी इन ब्रूइंग इन शाहीन बाग, वी हैव एविडेंस टू दैट इफेक्ट। कल एक भाषण जिसका हम प्रति थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे भी, शाहीन बाग में दिया गया। उस भाषण में जिस प्रकार की देशद्रोह की बात की गई, जिस प्रकार की एंटी नेशनलिज्म की बात की गई, वो अपने आप में ना केवल चिंताजनक है बट इट इज ऑल्सो सेडिशियस। कुछ अंश मैं उसका बताता हूं, और ये पूरा भाषण अल्लाहू अकबर के बीच में हो रहा था। एक एक पॉइंट्स बताए जा रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ, और जो नारे वहां से गूंज रहे थे वो नारे थे अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। कहा गया है उसमें कि आसाम को इंडिया से अलग कर देना है, आसाम को इंडिया से काटने की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब ये शाहीन बाग और शाहीन बाग की जो सोच है, उस सोच की जिम्मेदारी है, शाहीन बाग की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार भारत को टुकड़े टुकड़े करके बांटना है और आसाम को और पूर्वोत्तर को, नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से इंडिया से अलग कर देना है, काट देना है। आगे कहा गया है चिकन नेक। देखिए हिंदुस्तान के आप अगर मैप को देखेंगे, मानचित्र को देखेंगे, तो एक चिकन नेक बनता है जो कि मुख्य भूमि को, हिंदुस्तान को जोड़ती है नॉर्थ ईस्ट के साथ। यह बहुत ही एक संतरा सा मार्ग है। यहां कहा गया है साजिश के अंतर्गत शाहीन बाग में, ये जो चिकन नेक है इसे हमें काट देना है ताकि पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत से कट जाए और आसाम भारत से अलग हो जाए। कैसे काटेंगे उसके विषय में भी विवरण है कि ये जो चिकन नेक है ये मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, यहां मुसलमान आवाम रहता है और हमने उनको संदेश भेजा है कि समय आने पर मुसलमान एक हो जाएगा और हिंदुस्तान के मेनलैंड से चिकन नेक को बंद करके पूर्वोत्तर को आसाम को अलग कर देगा। ये किस प्रकार की साजिश है? ये तो पूरी तरह से इंडिया को बर्बाद करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी रची गई है। दिस इज एन ओपन जिहाद। ये ओपन जिहाद के लिए कॉल है और कुछ नहीं। बंधुगण आगे यह भी कहा गया है कि इतना मवाद हम डाल देंगे पटरियों पर और सड़कों पर कि जो इंडिया की फौज है, जो इंडिया की आर्मी है, वो पूर्वोत्तर तक नहीं जा पाएगी, इंडिया की आर्मी आसाम तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरा सवाल उठता है, आखिरकार इंडिया के आर्मी को आप पूर्वोत्तर तक पहुंचने से क्यों रोकना चाहते हैं? Why do you want to stop the Indian army from reaching Assam, from reaching the other northeastern states? What is the design that is brewing up? What is the conspiracy that you are building up within your mind? This is what India wants to know today. ये क्या षड्यंत्र आपके मस्तिष्क में चल रहा है कि आप सड़कों पर मवाद डाल देंगे, सड़कों पर आगजनी करेंगे, रेल की पटरियों पर आगजनी करेंगे, रेल को रोक देंगे ताकि इंडिया की आर्मी इंडिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंच न पाए। और सबसे खौफनाक जो बातें कही गई है, जिसके कारण मैं इसे ओपन कॉल टू जिहाद कहता हूं, इसमें कहा गया है कि सारे गैर मुसलमान, चाहे वो किसी भी और कम्युनिटी के हैं, सारे गैर मुसलमानों से कह दो कि अगर वो हमारा, मतलब शाहीन बाग का समर्थन करना चाहते हैं
तो मुसलमानों के शर्तों पे आकर ही समर्थन करना पड़ेगा। आप अगर मुसलमानों की शर्तों पर नहीं आएंगे तो आपका समर्थन समर्थन नहीं माना जाएगा। आप बताइए ये किस प्रकार की बात है, ये किस प्रकार का जिहाद है। न हिंदू के लिए स्थान, न सिख के लिए स्थान, न बौद्धों के लिए स्थान, न जैनियों के लिए स्थान, न ईसाइयों के लिए स्थान, न पारसियों के लिए स्थान, किसी के लिए स्थान नहीं, केवल और केवल मुसलमानों के शर्तों पर, ऑन द कंडीशंस लेड डाउन बाय द इस्लामिस्ट्स ऑफ द कंट्री, केवल उसी के आधार पर यह सब कुछ चलेगा। यही जिहाद होता है। दिस इज अ क्लासिकल कॉल ऑफ जिहाद, इसी को जिहाद कहते हैं। दिस इज हाउ यू डिफाइन जिहाद। याद करिए वो अरब स्प्रिंग, कैलिफेट बनाने की साजिश, किस प्रकार से कई देशों में 2000 की दशक में एक कैलिफेट बनाने की साजिश चली थी, इजिप्ट में चली थी, अरब के कई राष्ट्रों में चली थी, कि वहां पर इस्लामिक राज स्थापित करना है, शरिया का राज स्थापित करना है। और इसी प्रकार कुछ डेमोक्रेसी बचाने वाले, तथाकथित रूप से कुछ डेमोक्रेसी बचाने वाले गुटों को खड़ा किया गया था, और इन्हीं गुटों के माध्यम से बाद में डेमोक्रेसी वॉज मर्डर। ये पहले कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे और फिर डेमोक्रेसी की हत्या कर देते हैं। बंधुगण, यहां यह भी कहा गया है जो बहुत ही कष्टदायक है, आप ये पूरे भाषण को सुनिए, हम दिखाएंगे। यहां कहा जाता है कि नेता किसी और धर्म का होगा और आवाम मुसलमान होगी, ये नहीं चलेगा। नेता भी हमारा होना चाहिए, नेता भी मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि आवाम तो हमारा है। इसलिए बाकी धर्म के लोग आके जो मंच पे बोल रहे हैं उनको नहीं सुनना है। और सबसे खतरनाक बात, आवाम में गुस्सा है, मुसलमानों में गुस्सा है, इस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना है। प्रोडक्टिव यूज, व्हाट इज द प्रोडक्टिव यूज ऑफ गुस्सा? अगर मुसलमान आवाम में गुस्सा है तो उस गुस्से को उनको भड़का के, उनको बहका के, उनको बरगला के, उनमें भ्रम फैला के, उनके गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करने का मतलब क्या होता है? देश में आग लगा देना, बसों में आग लगा देना, दंगे फैलाना, देश को तोड़ देना, देश को बर्बाद करने की साजिश करना। क्या इस प्रकार से आप हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जाके जेएनयू में आज से 3-4 साल पहले 2016 में जब खड़े हुए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। उस समय दोनों, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, दोनों जुड़वा भाई ने, जुड़वा कजिन ब्रदर्स, दोनों ने जाके समर्थन दिया था जेएनयू में, भारत तेरे टुकड़े हो। और आज ये दोनों कजिन ब्रदर्स के जो सपने थे वो हकीकत में परिणत होते हुए दिल्ली के शाहीन बाग में आज हम देख रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से। अरविंद केजरीवाल जी, आपके मंत्री तो कह रहे थे, उप मुख्यमंत्री तो कह रहे थे, आई स्टैंड विद शाहीन बाग। आज मैं सवाल पूछता हूं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और राहुल गांधी से, आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और जवाब दीजिए कि डू यू स्टिल स्टैंड विद शाहीन बाग, विल यू कंडेम दिस? ये भारत के टुकड़े की जो बात की जा रही है कि आसाम को भारत से अलग कर देना है, ये मुसलमानों को जो कॉल दिया गया है कि आग लगा देना है, आपके गुस्से को प्रोडक्टिविटी में बदलना है, क्या अरविंद केजरीवाल इस प्रकार के कॉल के साथ खड़ा है? मैं ये सवाल अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, और चैलेंज भी देता हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल। दूसरा, बहुत दुख के साथ आप सब मीडिया के बंधु बैठे हैं, मैं आपको नमन करता हूं, आप चतुर्थ स्तंभ हैं, आपके बिना हम एक इंच आगे नहीं बढ़ सकते, आप ही सत्य को दिखाते हैं। ये जो आसाम का विषय आज जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, आप ही लोगों ने सुबह दिखाया है और सत्य से जगाया है देश। मगर कल जिस प्रकार इस फेटर्निटी के साथ शाहीन बाग में डील किया गया, एक इतने बड़े पत्रकार, एक इतने नामी गिरामी व्यक्तित्व दीपक चौरासिया, न्यूज नेशन चैनल में है वो, जिस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया कल शाहीन बाग में, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में चतुर्थ स्तंभ पे जिस प्रकार का हमला शाहीन बाग में होता है, और कुछ लोग उसको प्रश्रय भी दे रहे, कुछ लोग उसे ठीक भी ठहरा रहे,
हम इसकी निंदा करते हैं। और मैं तमाम कैमरों में देख के कहता हूं, प्रत्येक मीडिया के बंधु को इसके साथ खड़ा होना चाहिए, इसके विरोध आवाज उठानी चाहिए। कल या आज इस चैनल के व्यक्ति को मार रहे हैं, कल आपको मार सकते हैं। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, आप आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सत्य प्रतिपादित नहीं होगा। आप कहते हैं कि आप लोकतंत्र को बचाने की मुहिम चला रहे हैं, आप कहते हैं कि आप संविधान को बचाने की मुहिम चला रहे हैं, और जब दीपक चौरसिया वहां जाते हैं तो उनकी लिंचिंग करने की कोशिश होती है, उनको जान से मारने की कोशिश की जाती, कैमरा तोड़ दिया जाता है, यह है लोकतंत्र को बचाने की कोशिश। अंत में शाहीन बाग पे एक कविता है, उस कविता के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करूंगा। पूरा निचोड़ किस प्रकार के देश द्रोहियों से ये शाहीन बाग भरा हुआ है। आज मैं छुपाने वाला, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता हूं, देशद्रोही नहीं कहे तो क्या कहे। जो लोग आसाम को तोड़ना चाहते, जो लोग देश को बांटना चाहते, वो देशद्रोही, एंटी नेशनल नहीं है तो क्या है। एक कविता है, शाहीन बाग एक सोच, क्योंकि जैसे लुटियंस दिल्ली केवल एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, जैसे खान मार्केट गैंग एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, एक सोच है, ठीक उसी प्रकार आज शाहीन बाग भी एक विषैला सोच बन चुका है। मैं शाहीन बाग, जी हां मैं शाहीन बाग, हाथ तिरंगा मन में दंगा, हाथ तिरंगा मन में दंगा, अमन चैन को डसने वाला मैं जहरीला नाग हूं, हां मैं शाहीन बाग। महिलाओं की आड़ में नफरत की बाढ़ में, महिलाओं की आड़ में नफरत की बाढ़ में, हर शहर में लाल चौक हूं, मैं पाक परस्तों का सब्ज बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं, मैं शाहीन बाग। कश्मीर शांत है, कश्मीर शांत है, दिल्ली अशांत, मैं आग लगाऊं प्रांत प्रांत, कश्मीर शांत दिल्ली अशांत, मैं आग लगाऊं प्रांत प्रांत, भारत माता के माथे पर एक बदनुमा दाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं। टुकड़े टुकड़े जिन्ना वाली आजादी, टुकड़े टुकड़े जिन्ना वाली आजादी, हो देश की बर्बादी, मासूम दिलों में नफरत बोता, मासूम दिलों में नफरत बोता, देखो मैं कितना घाग हूं, देखो मैं कितना घाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं। हो कत्ले आम, हो कत्ले आम, हो सड़क जाम, मेरा मकसद है देश जले, मेरा मकसद है देश जले, मैं नफरत की छुपी आग हूं, मैं नफरत की छुपी आग हूं, मैं शाहीन बाग हूं, मैं शाहीन बाग हूं। ये है शाहीन बाग की हकीकत, ये चाहते हैं देश जले, ये वो नाग है जो देश को डसना चाहते हैं, ये चाहते हैं देश टूटे, मगर हम भी देखेंगे कि देश कैसे तोड़ोगे। हम भी बैठे हुए, भारतीय जनता पार्टी बैठी है, वह भी देखे, कितना भी साजिश आप लोग कर लो, आसाम को, पूर्वोत्तर को हम भारतवर्ष से अलग नहीं होने देंगे। कितना मवाद डालोगे पटरियों पर, कितना मवाद फैलाओगे सड़कों पर, हम भी देखेंगे, मवाद फैलने नहीं देंगे। कितना कहोगे मुसलमान चिकन नेक को तोड़ देगा, हम हिंदू मुसलमान होने नहीं देंगे, हम सबका साथ, सबके विश्वास के साथ चलेंगे। तुम देश तोड़ो, हम देश जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।